हट जाओ मम्मा। नंदू, नंदू और उसके शिव के बीच कोई नहीं आ सकता, क्योंकि नंदू के लिए बंधु भी उसका शिव है, नंदू के लिए उसका घर भी शिव है, नंदू के लिए उसका भगवान भी शिव है, उसका संसार भी शिव है मम्मा। लोग अगर शिव और शक्ति के प्यार की मिसाल देते हैं तो शिव और नंदी के प्यार की भी कसमें खाते हैं। तो इस नंदू के साथ क्या करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शिव तय कर सकता है और कोई नहीं। आपको मुझे मारना है ना भैया, आप मार लो भैया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा भैया, बस मारने से पहले मुझे ये बता दो मेरी गलती क्या है, इस नंदू ने ऐसे क्या गलती कर दी जिसकी वजह से उसका शिव जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा रहेगा। क्या गलती की है मैंने? गलती नहीं की है तूने, गुनाह किया है। मैं बताता हूं सबको इसने क्या किया है। इस नंदू ने जो लेटर मैंने शक्ति को लिखा था वो इसने बदल दिया। और इसीलिए शक्ति ने शादी के लिए हां की है। शिव, हमारा नंदू ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये इतना चालाक थोड़ी है, भोला भाला है, इसकी शक्ल तो देखो एक बार। भैया आप ये क्या कह रहे हो? भैया मैंने वो लेटर नहीं बदला है। झूठ मत बोल। तुझ पर मैंने अपने आप से ज्यादा यकीन किया था नंदू, मुझे लगा था जो काम मैं नहीं कर सकता था वो मेरा नंदू जरूर करेगा, करके ही आएगा। तेरे साथ जो मैंने सच भेजा था तूने उसे फेंक कर शक्ति तक झूठ पहुंचाया। तूने तो मेरा यकीन और भी पक्का कर दिया कि अगर शक्ति को मेरा सच पता चलेगा तो वो कभी मुझसे शादी नहीं करेगी, इसलिए तूने लेटर बदला ना। तुझे पता था कि मेरा सच जानने के बाद मुझे जिंदगी में कोई भी नहीं अपनाएगा, इसलिए तूने वो लेटर बदला ना। तूने वो लेटर बदल के शक्ति की किस्मत बदलने की कोशिश की, सुख की जगह दुख लिखने की कोशिश की, सच की जगह धोखा लिखने की कोशिश की, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था मेरा नंदू इतना झूठा, धोखेबाज और चालाक निकलेगा। अरे आप लोग सब मुझे भोला भंडारी बुलाते हैं ना, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा नंदू भोला भंडारी है। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मैंने नहीं बदला है वो लेटर भैया, मैंने शक्ति को वही लेटर दिया है जो आपने मुझे दिया है भैया। नहीं नंदू, अब मुझे तुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। शिव, तू जानता है तू किसके बारे में बात कर रहा है? अरे नंदू के बारे में बात कर रहा है, अपने नंदू के बारे में, जो तेरी कही हर बात को पत्थर की लकीर मानता है। अरे इस शिव की बात सुनता है वो, उस शिव की बात नहीं सुनता। और तू इस पे शक कर रहा है? चल ठीक है बेटा, इसको यकीन आ जाए तो एक बार भोलेनाथ जी को छूकर कसम खा ले, जा। मैं भोलेनाथ की कसम नहीं खाऊंगा।
कहानी में नया ट्विस्ट। ये कसम खाने से इनकार क्यों कर रहा है? सही कहा नानी आपने, नंदू के लिए शिव भैया का स्थान शिव भगवान के स्थान से भी ऊपर है। मैं आपकी कसम खाता हूं भैया, मैंने वो लेटर नहीं बदला। अब आप मेरी कसम खाओ भैया, क्या आपको लगता है कि नंदू आपकी झूठी कसम खा सकता है? क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से बुरा होगा, कौन सा झूठ छुपाना है, कौन सा झूठ नहीं छुपाना है, कौन सी बात बदलनी है, कौन सी बात नहीं बदलनी है भैया, ये सब मुझे नहीं आता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे जो मेरे शिव भैया ने कहा है मुझे वो करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो, इसमें किसी का फायदा हो या नुकसान हो, किसी की मुझे जान लेनी पड़े या मुझे अपनी जान देनी पड़े भैया, मैं वो करूंगा, क्योंकि आपने मुझे कहा है करने के लिए तो मैं वो करूंगा। बस यही है नंदू का प्यार अपने शिव के लिए। नंदू अपने शिव को कभी धोखा नहीं दे सकता। बस बहुत हो गया, इस घर में एक पल खुशी का नहीं आता कि हम लोग मनहूसियत को खुद ही न्योता दे देते हैं। शिव बहुत हो गया तेरा नाटक। देख तेरी सभी शर्तें मानकर ये रिश्ता तय हुआ था ना, तू रोज रोज बहाने बना रहा है, एक ही बार बोल क्यों नहीं देता तुझे ये शादी करनी है या नहीं? अगर नहीं करनी है तो अभी के अभी हम पंडित जी को बोलकर ये शादी कैंसिल करवा देते हैं। अरे बाप रे, ये बुढ़िया तो फ्लो में कुछ ज्यादा ही भूल गई है। और दूसरी बात, अगर तू ये शादी नहीं करना चाहता तो समझ लेना तेरी दादी मर गई तेरे लिए। अम्मा आकुम, आप ये बार बार मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया कर। और तू जो कर रहा है वो क्या है? अरे पूरे परिवार वाले तुझसे इतना प्यार करते हैं, जो तेरी मर्जी होती है वही काम करते हैं, जो तू चाहता है वही करते हैं, वो अपने बारे में सोचते भी नहीं उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। क्या ये ब्लैकमेल करना नहीं है? तू इस सब का फायदा उठाता है, अपनी मनमानी करता है, तुझे लगता है मेरे सामने कोई बोलने वाला तो है नहीं? क्या ये ब्लैकमेल करना नहीं है? अब बहुत हो गया, तुझे शादी करनी है तो कर, नहीं करनी है तो मत कर। लेकिन अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो आज के बाद हमें भग्गू मां कहने का हक खो देगा। हमारी अर्थी को कंधा देने का हक खो देगा। हमें मुखाग्नि देने का भी हक खो देगा। बस बस भगू मां, प्लीज आप ये सब मत बोलिए। मैं शादी करूंगा। इस बात से पलटने से पहले ये सोच लेना कि अगर तू हमारा पोता है तो हम भी तेरी दादी हैं।
अगर तू किसी बात पर अटक सकता है तो हम भी अटक सकते हैं। अब बहुत हुआ, सारी तैयारियां बाकी हैं। चलो सब लोग अपना अपना काम करो। नंदू कभी मेरी झूठी कसम नहीं खाएगा, तो फिर ये सब हुआ कैसे? शिव भैया, काश काश मैं आपको ये बता सकता कि जो ये सब कुछ हो रहा है मॉम की वजह से हो रहा है। जो अपने बच्चों को मारने की बात कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है, कोई नहीं है जो उन्हें रोक पाए। हम हमारे कपड़े खुद प्रेस कर लेंगे। जब तक ये शादी ना हो जाए प्लीज कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। अरे छोटी, तू भी तो दुल्हन है, तेरी भी तो शादी हो रही है, कल तेरी भी मेहंदी है, तू क्यों काम करेगी? सो जा, ताकि हमारी बहना ना कल सुबह एकदम फ्रेश लगे, सब देखते कहे कि दुल्हन हो तो ऐसी। हैशटैग बनारस की ब्राइड। हम ना ससुराल में भी ऐसे ही रहेंगे। अब जेठानी जी चाय ला दूं, कुछ और काम हो तो बता दीजिए। जेठानी जी आपके कपड़े प्रेस कर दूं? अब तो हमें जेठानी जी बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। ओके गुड नाइट जेठानी जी। जेठानी जी रेस्ट कर ले, ठीक है? छोटी बहना, ये दीदी की वॉच नहीं है? अरे जब बहनें एक दूसरे के बाल भी नोचती है ना तो उसमें प्यार छा लगता है, लेकिन दीदी ने जो प्यार दिखाया है ना उसमें हमें कोई प्यार नहीं दिखा। इसमें मंदिर आंटी की चाल झलक रही है, उन्होंने दीदी को अपने पूरे कंट्रोल में कर लिया, खुद सवार हो गया दीदी पर मंदिर आंटी का। उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमारे परिवार को हमसे छीन लेगी। अब हमें लग रहा है कि वो यही कर रही है। क्या करें, कैसे समझाएं दीदी को, कैसे उनकी आंखें खोले? पता नहीं ऐसा क्या करे जिससे रिमझिम दी और कीर्तन की शादी रुका सके। हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा। टूटी सबसे यारी, मैं तो जिंदगी से हारी, गई सांसों को दुखा के कहां पे ये हवा। आज से तू सिर्फ हमारी बहन नहीं, हमारा भाई भी है। क्यों रबा इस कदर तोड़े आवे, एक टुकड़ा न छोड़िया, धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। रक्षाबंधन के दिन तूने हमसे वादा किया था कि तू हर खतरे से हमारी रक्षा करेगी, लेकिन
लेकिन अब तो तू ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। क्यों शक्ति, क्यों? हम सोचते थे कि जिंदगी में हमारा कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अब हमारी सबसे बड़ी दुश्मन तो तू ही बन गई है। हमने सारा बचपन साथ बिताया, क्यों भूल गई तू? हर सुख हर दुख हमने बांटा, क्यों भूल गई तू? हमने रिमझिम गीत दिया, क्यों भूल गई तू शक्ति? हम तेरी बहन, क्यों भूल गई तू शक्ति? हमें तो अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक दी और कीर्तन की शादी रोकने की कोशिश करेंगे। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, तुम यहाँ आ जाओ अपने घर, फिर हम दोनों मिलकर सबको देख लेंगे, सब ठीक कर देंगे। अगर तू सब कुछ भूल रही है ना, तो हम भी भूल जाते। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, सब कुछ। और अगर तूने कसम खाई है ना कि हमारी शादी कीर्तन के साथ ना हो, तो हम भी कसम खाते हैं कि हम ये शादी करके रहेंगे। बस नंदू बेटा, शिव भैया की बात का बुरा क्या मानना? अरे तो बस गुस्से में उसके मुंह से निकल गया, वरना उसकी बात का बुरा मानते हैं क्या कभी? हाँ, और बेटा कभी कभी ऐसा होता है, हम जिससे बहुत प्यार करते हैं ना, वही हमें दर्द देते हैं। नहीं माँ, जो प्यार करता है वो दर्द कैसे दे सकता है? उसे तो प्यार करने का हक ही नहीं है। मुझे कोई हक नहीं है नंदू को प्यार करने का। भैया ऐसे क्यों कह रहे हो आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं नंदू, मुझे कोई हक नहीं कि मुझे तेरा प्यार मिले, बस मुझे माफी दे दे प्लीज नंदू। मैं तुझ पर कैसे हाथ उठा सकता हूं और तुझ पर कैसे शक कर सकता हूं? दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। आई एम सॉरी नंदू, मुझे तो माफी भी नहीं मिलनी चाहिए, बस सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ सजा। शिव, ऐसा मत बोलो बेटा। नहीं माँ, मैं सही कह रहा हूँ। नंदू तू मुझे मार। नहीं भैया, नंदू मार मुझे। नहीं, क्या कर रहे हो भैया? मैं तुझ पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ नंदू? मैं तो तुझे सॉरी कहने के लायक भी नहीं हूँ, और ना ही अपने बंधु कहलाने के लायक, और ना ही अपना दोस्त। भैया, अगर नंदू शिव का बंधु नहीं है तो वो कुछ नहीं है भैया, और आप ये हक मुझसे छीन ही नहीं सकते। भैया आप मुझे मारो, मुझे कुछ नहीं फील होगा, आप मुझे जान से मार डालो भैया, मैं उफ तक नहीं करूंगा। भैया आपने मुझ पर शक किया, भैया मुझसे मेरी जान ही निकल के। भैया ये नंदू अपने शिव को कभी धोखा नहीं दे सकता, भैया कभी नहीं दे सकता, मैंने कोई झूठ नहीं बोला उसे। आता है मुझे, आता है, इसीलिए सॉरी, थैंक यू और गॉड प्रॉमिस। मतलब सॉरी क्योंकि मैंने तुझ पर गुस्सा किया, थैंक यू क्योंकि तू फिर भी मेरे साथ है और तूने मुझे माफ कर दिया, और गॉड प्रॉमिस फिर कभी तुझ पर शक नहीं करूंगा। पता नहीं अब मंदिर आंटी की नेक्स्ट चाल क्या होगी। काशी है ये होलीनाथ की नगरी,
इस नगरी में हर पुण्य पाप का हिसाब होता है। पता नहीं मंदिर आंटी के पुण्य पाप का हिसाब कब होगा भोलेनाथ। अगर शिव और शक्ति को हमेशा के लिए अलग करना है तो पहले उनको एक होने दो। हमने फैसला ले लिया कि हम डॉक्टर शिव से शादी करने के लिए तैयार हैं। अगर तू ये शादी नहीं करना चाहता तो समझ लेना, तेरी दादी मर गई तेरे लिए। बस भगुमा, मैं शादी करूंगा। मंदिरा कश्यप कभी नहीं हारती, कभी नहीं हारती, चाहे उसके साथ किस्मत खड़ी हो, काल नक्षत्र खड़े हो, ग्रह नक्षत्र खड़े हो या फिर स्वयं भगवान, पर मंदिरा कश्यप कभी नहीं हारती, कभी नहीं हारती।